तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक कीपैड का फ़ोन दिख रहा है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किस कंपनी का, सिलिकॉन का, ये हमारा कंपनी का फ़ोन है, ठीक है। और इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, जो हमारी ये पावर बटन होती है जिससे हम लोग सेट को ऑन और ऑफ करते हैं, ये बटन हमारी वर्क करती है, और जो इसकी टोटल बटन है वो वर्क नहीं करती। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोगों के पास कोई भी फ़ोन इस प्रकार की कंडीशन में आता है तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। और अभी ये बिल्कुल नया फ़ोन है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखो गाइस, ये इसका फ्रंट वाला बॉडी है, आप लोग देख लो, बिल्कुल नया गाइस फ़ोन है। और ये फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी, मेरे पास रिपेयर के लिए आया, इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही बना देना चाहिए। तो आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो आप लोग कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर मैं चिमटी की मदद से शॉर्ट करूँगा प्लस माइनस को, यहाँ पर सेट हमारा ऑन हो जाएगा। देखो गाइस, सेट ऑन हो रहा है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों के पास कोई भी इस प्रकार का फ़ोन आता है, आप लोग उसे कैसे बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे चलोगे। अब यहाँ पर देखो, कोई भी यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ, देखो गाइस, ये देखो, कोई भी करूँगा, यहाँ पर शॉर्ट करूँगा प्लस माइनस को, टच करना चाहिए मतलब काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, कोई भी बटन पे मैं प्लस माइनस पे ऐसे करके चिमटी की मदद से शॉर्ट करूँगा तो हमारी बटन वर्क करना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी बटन हमारी वर्क नहीं कर रही, आप लोग देख सकते हो गाइस, सिर्फ हमारी पावर बटन वर्क करती है, ये वाली देखो ना, देखो गाइस, ये हमारी पावर बटन बस वर्क करती है, और जो टोटल इसकी बटन वर्क नहीं करती। इस कंडीशन में आप लोगों के पास कोई भी फ़ोन आता तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे। और आप लोग देखो, जो आप लोग कमेंट करते हो, आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि गाइस आप लोग जानते हो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। यहाँ पर देखो, मैं फिर से पावर बटन पर प्लस माइनस पे शॉर्ट करूँगा, देखो हमारी बटन वर्क कर रही है, और यहाँ पर देखो कोई भी बटन हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो गाइस, तो चलो हम लोग इस फ़ोन को बनाते हैं, तो करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी बैटरी निकालेंगे बाहर। अब यहाँ पर इसका मदरबोर्ड हम लोग खोलेंगे, ऐसे करके आराम से आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो आप लोगों के सामने इस फ़ोन को मैं बनाकर दिखाऊंगा। और गाइस, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में क्वालिटी आपको अच्छी तरह से ना दिख रही होगी, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं सब कुछ बताते चलूँगा, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के पास आ जाती है गांव देहात में, क्योंकि कीपैड के फ़ोन ज़्यादा चलते हैं। आप लोग जानते हो मैं गांव देहात पे रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर कीपैड के फ़ोन ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये रिंगर को निकाल लेंगे, यहाँ पर इसकी लाइट निकाल लेंगे। तो आप लोगों के सामने इस फ़ोन को मैं बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। करना कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहले स्टेप में आपको यहाँ पर ये जो इसकी चार्जिंग जैक होती है, इसे आपको यहाँ से रिमूव कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब किसी भाई ने जैसे चार्जिंग पिन डलवाया, ठीक है, तो वहाँ पर जिससे डरवाते हैं इसके आसपास के जो कंपोनेंट होते हैं वो शॉर्ट हो जाते, कुछ भी हो जाता तो ये प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चार्जिंग जैक को एक बार बाहर कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हमारी बटन वर्क कर रही है नहीं। तो पहले स्टेप में आपको चार्जिंग जैक पर देख लेना, यहाँ पर माटी वटी हो या पानी गया हो तो आप लोग इसे पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लेना, ठीक है। ये चलो एक बार हम लोग यहाँ पर क्लीन भी कर लेते हैं, यहाँ पर देखो पेट्रोल की मदद से मैं क्लीन कर रहा हूँ, ऐसे करके आपको ऐसे करके डाल देना। और जो मंजन करने वाली ब्रश आती है गाइस, आप लोग उससे यहाँ पर क्लीन कर देना ऐसे करके, ऐसे करके, क्योंकि कभी कभी पानी चला जाता है फ़ोन में, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग ऐसे कर देना। देखो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया, अब यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाएंगे, सेट को फिर से ऑन करेंगे और देखेंगे हमारी बटन वर्क कर रही है तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम लोग ये चार्जिंग जैक को यहाँ से रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मैंने बैटरी लगा दिया, अब यहाँ पर हम लोग सेट को ऑन करेंगे। आप लोगों के सामने इस फ़ोन को मैं बनाकर दिखाऊंगा गाइस, यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो रहा है, बटन वर्क करेगी तो ठीक है, या हम लोग चार्जिंग जैक निकाल देंगे, फिर भी बटन वर्क नहीं कर रही तो हम लोग इसकी पावर आईसी पे काम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखो गाइस अभी भी हमारी बटन वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग चार्जिंग जैक इसका यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो चलो यहाँ पर मैं असेंबली मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारी असेंबली मशीन स्टार्ट हो चुकी है गाइस, इसी की मदद से हम लोग यहाँ पर चार्जिंग जैक को रिमूव करेंगे। तो आप लोगों के सामने इस फ़ोन को मैं बनाकर दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग असेंबली मशीन को हीट कर लेते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ आप लोगों को दिखा पाऊँ अच्छी तरह से मैं। अब आप लोगों को क्लीन दिख रहा होगा, ठीक है गाइस।
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चार्जिंग जैक को निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फिर से आप लोगों को पेट्रोल की मदद से, थिनल की मदद से आप लोग यहाँ पर साफ कर देना, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ पर मैं फटाफट ये पेट्रोल का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं पीसीबी को क्लीन कर दूँगा। ऐसे करके आपको पेट्रोल डाल देना या थिनल डाल देना और ऐसे करके आपको क्लीन कर देना ऐसे करके, ठीक है गाइस। और फ़ोन को ठंडा हो जाने देना है ऐसे करके, आपको इसे ठंडा हो जाने देना, कूल हो जाने देना है। उसके बाद आपको बैटरी लगाना है, फिर आपको सेट को ऑन करके देखना है, चेक करना है आपके बटन वर्क कर रही है तो ठीक, नहीं करेगी तो यहाँ पर देखो ये जो कवर लगा हम लोग इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और जो इसकी मेन पावर आईसी होगी वहाँ पर हम लोग पेस्ट लगा के हल्का से हीट करेंगे। हल्का से आपको हीट करना है, आपकी बटन 100% वर्क करने लगेगी। फिर भी नहीं करती है तो गाइस आपको करना क्या होगा, जो उसकी पावर आईसी होगी वहाँ से आपको उसे रिमूव करके रिबॉल करके फिर से लगाना होगा। तो चलो यहाँ पर ये फ़ोन हमारा ठंडा हो चुका, अब यहाँ पर हम लोग बैटरी को लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेट को ऑन करेंगे फिर से। तो यहाँ पर पावर की को मैं शॉर्ट करूँगा ऐसे करके, यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो रहा है गाइस, पूरा हम लोग इसे ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी भी इसमें बटन कोई वर्क नहीं कर रही, देखो कोई भी बटन इस पर वर्क नहीं कर रही है। ओके गाइस, अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार हम लोग यहाँ पे हीट मार देंगे, यहाँ पर थोड़ा मारेंगे हल्का, ठीक है ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत हीट यहाँ पे मार देना है। ज़्यादा आपको हीट नहीं मारना है गाइस, ऐसे करके आपको हीट मार देना है। मार देने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को ठंडा कर लेना है। कर लेने के बाद फिर से आपको इस पर बैटरी लगाना है और फिर से आपको हर एक बटन को प्रेस करके देख लेना है, आपकी बटन वर्क कर रही तो ठीक है, नहीं कर रही तो फिर हम लोग इसका ये जो कवर है यहाँ से हम लोग इसे निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो आईसी रहती है वहाँ पर भी कभी कभी पानी चला जाता है, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम लोग इस फ़ोन को बनाएंगे तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ पर फटाफट हम लोग इस फ़ोन को ठंडा हो जाने देते हैं फिर बनाते हैं। तो गाइस आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाकर डेली अपलोड करता रहूँगा। और उसके बदले आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो घंटी होती है उसे आपको ऑल पे टिक कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग ऑल पे टिक करोगे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर देखो लगभग ये हमारा फ़ोन ठंडा हो चुका है गाइस, अभी भी गर्म है, ठीक है अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी गर्म है तो हम लोग इसे ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा ना हो रहा हो तो गाइस आप लोग एक थिनल का यूज़ कर देना एक बार, या पेट्रोल का यूज़ कर देना ऐसे करके, और ये ब्रश से ऐसे कर देना तो ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ऐसे करके। अब गाइस एक बार हम लोग यहाँ पर सप्लाई भी चेक कर लेंगे, टोटल बटन पे सप्लाई आ रही है नहीं। तो यहाँ पर देखो सप्लाई कैसे चेक करते हैं, आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना होगा। यहाँ पर देखो मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर का रेड प्रूफ है इसे आपको ग्राउंड कर देना। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बटन पर सप्लाई आ रही नहीं, ठीक है गाइस देखो आ रही, इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, इसमें भी। अब हमारी बटन वर्क करेगी, ठीक है गाइस देखो बटन पर सप्लाई आ रही, फिर भी बटन वर्क नहीं करेगी तो हम लोग पावर आईसी पे काम करेंगे। मैंने क्या बताया, देखो आ रहे ना सप्लाई, देख सकते हो, ठीक है गाइस 690 गाइस सेम आ रही, सेम सप्लाई, देखो सेम सप्लाई यहाँ पे हर एक बटन पे आ रही। पावर की पे हम लोग चेक करेंगे, इसमें देखो इसमें। चलो गाइस एक बार हम लोग अब बैटरी लगाते हैं, सप्लाई तो आ रही है मगर सेम आ रही, टोटल बटन पे सेम सप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बटन वर्क करेगी तो ठीक है गाइस। यहाँ पर जूम आउट थोड़ा कर लेंगे, पावर की को प्रेस करेंगे, सेट को ऑन करेंगे फिर से, बैटरी अच्छी तरह से लगाएंगे क्योंकि गाइस बैटरी अच्छी तरह से नहीं लग रही है। ये मैंने बैटरी लगा दी अच्छी तरह से, फिर से हम लोग प्रेस करेंगे,
ये हमारी पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया, सेट ऑन भी हो रहा। अब हम लोग एक बार बटन को चेक करेंगे यहाँ पर। गाइस आप लोग देख सकते हो अभी भी इस पर कोई भी बटन वर्क नहीं कर रही है। देखो गाइस यहाँ पर कैमरा हमारा हो गया, कट करेंगे यहाँ से। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो अब इसमें बटन थोड़ा बहुत वर्क करने लगे। कट करेंगे यहाँ हम लोग दबाएंगे, फिर से हम लोग ये बटन दबाएंगे, ये गाइस इसमें अब आप लोग देख सकते हो दो बटन हमारी वर्क कर रही है। ये भी हमारी बटन वर्क करने लगी है, ये वाली। अभी टोटल इसमें बटन वर्क नहीं कर रही, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखो गाइस अब एक बार यहाँ पर आपको हीट मार देना होगा। इसका ये जो कवर है इसे आपको यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेने के बाद इसके जो मेन आईसी होती है वहाँ पर पेस्ट लगा के आपको हल्का बहुत हीट मारना है, ज़्यादा हीट नहीं मारना है, ठीक है गाइस। ये आप लोगों का फ़ोन डेड भी हो सकता है तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तो चलो यहाँ पर मैं ऊपर से यहाँ पे हीट मार दूंगा, अभी मैं इसे नहीं खोलूंगा गाइस, क्योंकि हम लोग जब खोलेंगे तो फिर पूरा प्रोसेस हम लोगों को शुरू करना होगा। पहले आप लोग इस प्रकार करके देख लेना। तो यहाँ पर मैंने SMD मशीन को फिर से स्टार्ट कर दिया है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे हीट मारेंगे। अभी हम लोग इसे यहाँ से ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस जिनका फ़ोन है, मान लो जब हम लोग आईसी पे काम करेंगे फ़ोन डेड भी हो सकता है, तो वो कहेंगे फ़ोन तुमने ख़राब कर दिया। इसलिए अभी यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, हम लोग अभी ऊपर से प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा जब वो आ जाएंगे कस्टमर जिनका फ़ोन है गाइस, फिर मैं उनको बता दूंगा, वो खुद कहेंगे इसे बनाना है नहीं। तो आप लोग यार ध्यान रखना, या आपको डांट देना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं आईसी पे काम नहीं करूँगा, अभी मैं हल्का हल्का हीट मार रहा हूँ। आपको भी ये तरीका अपना लेना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके यहाँ पर हीट मारेंगे और आपको अपनी असेंबली मशीन को घुमाते रहना है ऐसे करके, ठीक है गाइस। एक जगह रोक के नहीं रखना है ऐसे करके। गाइस मैंने हीट मार दिया है, ज़्यादा आपको हीट नहीं मारना है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जिनका फ़ोन है वो इस समय नहीं है, जब वो आ जाएंगे उनके सामने यहाँ पर मैं आईसी पे काम करूँगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो आईसी डेड भी हो सकती है, उसके कारण फ़ोन भी हमारा ख़राब हो सकता है। वो कहेंगे तुमने फ़ोन ख़राब कर दिया, हमें डांट दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पर फ़ोन को ठंडा हो जाने देंगे और इसे हम लोग पैक भी कर देंगे गाइस। यहाँ पर देखो इसका ये जो यहाँ पर है मैंने इसे निकाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक बार इसे पैक करके देखेंगे। यहाँ पर देखो मैं इसे पैक कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैंने सारा कुछ किया है, देखते हैं हमारी बटन वर्क कर रही है नहीं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ऐसे करके मैं यहाँ पर पैक कर लूँगा। और गाइस वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसी प्रकार के मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है गाइस। और ये वीडियो पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा सेटअप कंप्लीट नहीं है गाइस। जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अच्छी यहाँ पर क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसका लाइट भी अच्छी तरह से यहाँ से लगा लेंगे और यहाँ से हम लोग ये इसकी जो कैमरा वैमरा इसे भी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह सेट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग इसका ये जो रिंगर वाला पार्ट है इसे हम लोग यहाँ से पैक कर देंगे ऐसे करके, ठीक है गाइस। और यहाँ पर ये हम लोग इसे कस देंगे, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा जब वो कस्टमर आ जाएंगे उनके सामने यहाँ पर मैं पावर आईसी पे काम करूँगा। तो गाइस आपको इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर हम लोग इसका पत्ता भी लगा लेंगे, लगे हाथन सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ये पत्ता भी ऐसे करके आपको यहाँ पर फिट कर लेना इसे भी, ओके गाइस। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग एक बार ट्राई करना, आप 100% आप लोगों के बटन काम करने लगेंगे। नहीं करेंगे तो आप लोग पावर आईसी पे भी काम करना। अभी मैं बना दूंगा एक वीडियो और, ठीक है गाइस, पार्ट टू हो जाएगी। ऐसे करके आपको यहाँ पर इसे लगा देना है और फ़ोन को ठंडा हो जाने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से चेक कर लेना, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी।
तो गाइस यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, लगभग ये ठंडा भी हो चुका है, आपको ठंडा अच्छी तरह हो जाने देना, ठीक है गाइस। और यहाँ पर ये वायर इसका जो एंटीना वाला होता है, इसे हम लोग अच्छी तरह से यहाँ फिक्स करेंगे ऐसे करके। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है अब लगभग। अब यहाँ पर हम लोग इसका माइक भी लगा देंगे। मैंने क्या बताया गाइस, सही हो जाएगा तो ठीक है, या जिनका फ़ोन है वो आ जाएंगे तब हम लोग इस पर काम करेंगे। यहाँ पर चार्जिंग जैक भी मैंने निकाल दिया, ठीक है गाइस। देखो ये चार्जिंग जैक हमारी है, अभी ये नहीं लगाऊंगा, बाद के लगा दूंगा नहीं। अब यहाँ पर देखो हम लोग ये बैटरी लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया। सेट को ऑन करेंगे, पावर की को प्रेस करेंगे, ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस। इसे हम लोग पूरा ऑन हो जाने देंगे, ये हमारा चार्जिंग जैक सही है गाइस। अब यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो चुका है प्रॉपर तरह से। अब यहाँ पर हम लोग बटन को प्रेस करके देखेंगे, देखो गाइस ये बटन हमारी वर्क कर रही, ये भी देखो गाइस सब बटन इसमें टोटल वर्क करने लगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग कट करेंगे, देखो गाइस यहाँ पर देखो गाइस 1 2 3 4 5 6 देखो गाइस टोटल इसमें बटन वर्क कर रही है। मैंने आपको क्या बताया है गाइस, आपको इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है, तो आप लोगों का फ़ोन 100% सही हो जाएगा जैसे मैंने किया गाइस। देखो हम लोगों ने पावर आईसी पे भी काम नहीं किया है, जब नहीं सही होगा फिर हम लोग लास्ट में पावर आईसी पे काम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने इस फ़ोन को सही कर लिया, टोटल इसमें बटन वर्क कर रही है। आप लोगों ने शुरू में देखा था गाइस बटन वर्क नहीं कर रहेगी, कुछ भाई ये कहेंगे आपने इसका पत्ता लगा दिया इसलिए वर्क कर रही, गाइस ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो बटन कैसे हमारी काम करती है, यहाँ पर देखो जो बटन में प्लस माइनस होते हैं जब हम लोग चिमटी की मदद से शॉर्ट करते हैं तभी हमारी बटन वर्क करती है गाइस। और इसमें भी देखो ये जो हमारी बटन जैसे हम लोग दबाएंगे प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं जब हमारी बटन वर्क करती। तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है उसमें टोटल बटन वर्क ना करे सिर्फ पावर बटन वर्क करे, तो आप लोगों को ये काम करना स्टेप बाय स्टेप चलना। अब यहाँ पर मैं यही चार्जिंग जैक को यहाँ पे लगा दूंगा गाइस। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो भाई अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। देखो गाइस यहाँ पर टोटल हमारी बटन वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो टोटल बटन, देखो ये देखो, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।